हाँ चलो आओ बैठो, ये लो सिखाता हूँ। दूध पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे पियो ना, दूध ठंडा है, मगज ठंडा हो जाएगा। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना है नहीं। मत पियो, जाओ, मैं ही पी जाएगी। पछताएगी, बहुत पछताएगी। क्यों, इसमें जहर है? अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना, ना तेरे जज्बात काम आएंगे, ना मेरी वर्दी। बाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती। अरे उसकी नैया तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटैनिक तो संभालो। आई? उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुँह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो, तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक सीसा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी? कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई इनको बताना, मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़ी अंकल, आओ इधर। वाड़ी अंकल इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। हा? गोली मार देना मांगता है उसको। देखा सुना, रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है। उससे कोई तकलीफ तो नहीं है? सारा नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है। बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ अब बोल देती हूँ, उसके बारे में एक भी लफ्ज मुँह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगी। ऊपर तक पहुँचे मेरी, पहले डिवोर्स ले ले। यहाँ क्या कर रहे गुड्डू? जलेबी लेने आये हूँ। चाचू लॉन्ड में लोग कपड़े लेने आते हैं, मैं यहाँ डैडी के कपड़े लेने आया हूँ। ये लो गुड्डू बेटा, तुम्हारा पैकेट। क्या कपड़े हैं अंकल, ये क्या कर दिया? ये ले बेटा तेरा पैकेट। थैंक्स अंकल। कितना नहाते हो, कितना नहाते हो, औरत को भी इतना टाइम नहीं लगता है। और मैं तो कहती हूँ कितना भी आप घिस घिस के नहाओगे ना, आप गोरा नहीं होने वाले हो। मत छिड़को ये पाउडर, मत छिड़को, ऐसा लगता है जैसे काले जामुन पर नमक छिड़काओ। तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर और मेरी वर्दी ला। पापा ये लो। अरे वेरी गुड बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यूनिफॉर्म चकाचक होके आया लॉन्ड्री से। क्या? ये यूनिफॉर्म है मेरा, मेरी वर्दी कहाँ है? आपके पति हैं? जी। तो मैं आपको चोर नजर आता हूँ? लगता तो है, लेकिन बोल कैसे सकता हूँ यार। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मगर सर ये आपकी वर्दी जो है कुछ। अरे सारी दुनिया कह रही है, जब मैं कहती थी तो सुनते नहीं थे। अरे पता नहीं इनको डाइटिंग का क्या भूत सवार हो गया है, इन्होंने 15 दिनों में 20 केजी लूज कर लिया है। 15 दिन में 20 केजी? जी हाँ, ये पहले आप ही की तरह फूले हुए तरबूज थे, लेकिन अभी देखिए ना इनको, ये सूख के लौकी की तरह हो गए हैं। पता नहीं इनको क्या फॉर्मूला मिल गया है डाइटिंग का। अरे मैडम आप जरा बख्शी साहब, मैडम को सब जेवर दिखाओ डायमंड्स में। अरे आप जाइए तो सही, सब डायमंड दिखाएगा आपको। सर जरा एक मिनट, मेरे मोटापे से मेरी बीवी भी बहुत परेशान है, ये स्लिम ट्रिम होने का नुस्खा मुझे भी बताइए ना प्लीज। मामला गंभीर है,
लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जो मैंने किया। अरे क्या बात करते हो, स्लिम होने के लिए तो मैं उल्टा लटकने को भी तैयार हूँ। वो तो आप वैसे भी लटकने वाले हैं। जी कुछ नहीं। हाँ सर, रोज सुबह 11 बादाम, 12 अखरोट, 13 पिस्ते, 14 अंजीर और 15 चिलगोजे 2 लीटर गर्म दूध के अंदर उबाल कर गटक जाओ। हमारी पूरी फैमिली? आप? मैं अकेला? हाँ। इतना खाऊंगा तो मैं। करेक्ट। सीधे जाओ, आओ, खाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर जाओ, फिर खाओ, फिर आओ। 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल। अच्छा? डर लग रहा है मगर ट्राई जरूर करूंगा। गुड। कुछ भाई करती नहीं ना? नहीं नहीं, जो होने वाला उसे बता क्या होगा। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर। किस बात की? हमारे बहुत ही गुप्त सूत्र से पता चला है कि आपके कारनामों से खुश होकर आपको पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू आप हमारे अखबार को दीजिएगा सर। सर हमारा चैनल इंडिया का सबसे मशहूर चैनल है, आपका शपथ ग्रहण समारोह को हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे सर। सर आपका पहला फोटो हम हमारे टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छापेंगे सर। सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले आप हमारी और सेठ जी की तस्वीर खींचेंगे, क्योंकि ये खुशखबरी हमें इन्हीं की दुकान से मिली है। और याद रहे, यही तस्वीर हर अखबार में छपनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। वाओ, आपने हमारी बीवी के लिए हार सेलेक्ट किया? हाँ, ये देखिए, ये सेठ चुगामल ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन उसको जाने दो, ये हार जो है भाभी को बहुत सूट करेगा। ये देखिए, बहुत अच्छा है सर। शाम को मंत्री जी के बेटे की शादी में आ रहे हैं ना आप? अरे यार, अच्छा याद दिलाया। डालें। चलो चलो। हमने मंत्री जी के बेटे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, अब क्या करें? कितने का तोहफा देना चाहिए? कम से कम 5 लाख का तो होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, 5 लाख बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 50,000 ठीक है। पैसे निकालो, पैसे निकालो। हाँ जी, जरा ये पकड़ेंगे। ये हार भी बहुत अच्छा है, आपको पसंद है, आप ले लीजिए। हाँ, क्या वो डार्लिंग मेरे से गलती हो गई, वो पैसे वाला पर्स तो मैं घर पर ही छोड़ आई। तुम हमेशा ये गलती करती हो। एक मिनट, पैसे मेरे पास है ना, ये लेकिन लेकिन सेठ जी लोग क्या सोचेंगे? लोग गए बाहर में, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आप हार रखिए। देखा, तुम्हारी वजह से। नहीं सर, नहीं, कमाल है, मैं पैसे घर आके ले जाऊंगा, आप रोइए मत। सेठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी का उधार नहीं रखा है। एक काम कीजिए, मेरे घर जाके मेरे नौकर से पैसे ले। हाँ वो मैं ले लूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिए। क्या? मेरा नौकर जरा वो अपने आप को हरदेव हरियाणवी समझता है। ये तो आपका नाम है जी, अपने आप को सुपर कॉप समझता है। अगर वो कोई बदतमीजी करे तो एक दिन कनपटी के नीचे अपने आप पैसे दे देगा। पैसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं जी। एक मिनट, ये कनपटी कौन सा इलाका है? ये सेठ जी, ये हाँ तो बहुत कस के मारूंगा। थैंक यू, थैंक यू, चलो रोना बंद करो, चलो। अरे नहीं सर, डांटना नहीं सर, डांटना नहीं सर, अच्छे लोग हैं। अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ, नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे लगा शायद आप महल के दूसरे कोने में होंगे तो यहाँ आने में आपको वक्त लग गया होगा। अरे नहीं भाई, वो बीबी बाजार गई है, 50 स्कूल गया है और मैं गया था अंदर। नौकर साले बहुत मुंह लग जाते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? अबे दुरट, नहीं मुंह से भपका आ रहा है, लगता है पेट में दारू की भट्टी लगी हुई है। पुलिस स्टेशन के करीब जाएगा तो हथकड़ी लग जाएगी तुझको। अरे किससे बात कर रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? अबे तेरी शक्ल तेरे ज्योग्राफी से मालूम है कि तू कौन है। आई? मुझे तेरे बाप ने भेजा है। बाप ने? मतलब तेरे साहब ने भेजा है। हाँ मेरे साहब ने, फिर पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। मेरे दो दो साहब है, एक वाघमारे साहब है, एक त्यागी साहब है, उसमें से किसने भेजा है? आओ आओ आओ, चल चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे तुम आओ। बेवकूफ, मुझे तेरे उस बॉल ने भेजा है जो तुझे खाना देता है, ये पहनने को देता है, और ये क्या है, ये लुंगे, लुंगे। ये देता है। हाँ, अबे मुझे इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है। तुम्हें इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है? आ, तो नहीं नहीं, तुम जानते हो हरदेव सिंह को? अच्छी तरह जानता हूँ, आज सुबह मेरे आर्केड में आए थे, सामान पसंद किया, भाभी के लिए हीरों का हार लिया, उनके पास कैश नहीं था, 50,000 कैश लिए, पूरे मिला के 2.5 लाख हो गए, कहा जाके नौकर से ले लो और ये कार्ड दे देना, चलो 2.5 लाख निकालो।
ढाई लाख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल भाई मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा नाम है मुस्कुराहट जी। जरा आपको हार्ट अटैक की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कुछ है? बेवकूफ, अगर ये बीमारियां रईसों को नहीं होंगी तो भी डॉक्टरों के नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? सुन, साथ में डायबिटीज भी है। वाह 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 वा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरा आपके फैमिली डॉक्टर का नंबर देंगे? क्यों? मैं जरा एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। काहे के लिए? इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों डरा रहा है यार, सीधे बोलना क्या बोलना चाहता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो आदमी आपको ढाई लाख की चपत लगा कर गया है ना, वो हरदेव सिंह हरियाणवी नहीं था बल्कि एक चोर लुटेरा लफंगा था। वो आदमी तुम्हें चूना लगा कर गया है और असली हरदेव सिंह मैं हूँ। अच्छा हाँ। असली हरदेव सिंह तू है? जी जी जी। बेटा मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी सुन चुका हूँ और तेरे मालिक ने कहा अगर ये सीधे न माने तो कनपट्टी के नीचे एक देना। चल मेरे ढाई लाख रुपए निकाल, मैं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक के रास्ते वो ढाई लाख रुपए चिल्लर की तरह बाहर गिर जाएंगे। तू इंस्पेक्टर को मारेगा? अबे तू मार निकालता गिरी। इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में, उसके घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो इंस्पेक्टर वाली भाषा बोल रहा है यार। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये देखो मेरा कार्ड। लगता नहीं है मगर। लगता नहीं? नहीं मतलब, माफ करना। अरे मारता है ऊपर से। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। वो आदमी मुझे लूट के चला गया, मेरे ढाई लाख रुपए ले गए, मैं क्या करूं? मुस्कुराते हुए उसे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुस्कुराहट किसको बोलते हैं? हाँ, जो आप पहले मुस्कुरा रहे थे उसी को बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए। नहीं, तुम्हारा FIR मेरे पास दर्ज हो चुका है। कहाँ दर्ज हुआ है? अरे मेरे पास दर्ज हुआ है। तुम्हारे पास क्यों? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये पोटली संभाल के रख, कहीं ऐसा नहीं हो आज ये पोटली फिर सरदार ले उड़े। हट, रोज रोज संडे थोड़ी होता है। सरदार के पीछे भागा था ना, क्या हुआ उसका, मिला के नहीं? मिला ना। कहाँ? पूल में। पूल में? हम दोनों उसी में गिरे थे। फिर क्या हुआ? फिर पानी में आग लग गई। ए भाई, हम लोग उस सरदार जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मुखड़ा है, क्या आंखें हैं, क्या होठ है। ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने सारे स्टाफ को छुट्टी देकर अपने हाथों से उसे बनाया है।
अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसा पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया, और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है का समझा है, आटे का बोरी। इसमें लोगों का भी मिस्टेक हुआ नहीं है ना, आप खुद ही दर्शनवाजो नहीं देती हैं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीज, बच 9 लाख वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारे सबब पे आने का? देखो जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी पीपी यादव नाम है हमरा बुझले का, यहाँ खड़े सभी लोगन से पूछ ले, 13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे, साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था और पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगीस तो साला हमको हड़का दिया, हमारी खोपड़िया घूम गई। चीर दिया साले का कला इसी चाकू से, करवा दी उसकी खोपड़िया पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं ऐसा नहीं, शहर में 12 क्लब है हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इम्पोर्टेड शराब पिलाता है, और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिया की चौटनी पर आ गया है। बात करी दिल ही तो है, एक ऑफर है हमसे, हर महीना 9 लाख रुपया ले लो खर्चा पानी के लिए। गंगा कसम हमरी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही तो। अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है, आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनु बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था, 3 तो मैडम चुका दी, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतवल? 3 पत्ते तेरे सामने है, गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। आई देखो लगा दिए है तुमको दांप पर युधिष्ठिर महाराज, अब बोलो मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज, अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पीपी यादव नाम है हमरा, देख कर रहे हो चीर दो साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा।